सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बिस्मिल्लाह पढ़कर शफीकुर रहमान ने ली शपथ, कहा नहीं बोलूंगा वंदे मातरम ये इस्लाम के खिलाफ है। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी नवंबर निर्वाचित सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला जारी रहा। शपथ के दौरान कई बार माहौल बदला भी नजर आया। बता दें मंगलवार को हैदराबाद से नव निर्वाचित सांसद और AIMIM के चीफ हसदुद्दीन ओवैसी शपथ के लिए वेल में जाने लगे तो ओवैसी को देखकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके जवाब में ओवैसी ने भी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर जोर से नारे लगाने का इशारा किया। इसके बाद ओवैसी ने अपनी शपथ पूरी की और अंत में जय भीम और अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। अब इसको लेकर एक बार फिर माहौल ज्यादा गर्म हो गया जब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा के सदन में सदस्य के रूप में शपथ ली। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभल संसदीय सीट से निर्वाचित सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा के सदन में सदस्य के रूप में शपथ ली। बता दें शफीकुर रहमान ने उर्दू भाषा में अपनी शपथ ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी शपथ की शुरुआत की। संसद में जब शफीकुर रहमान बर्क शपथ लेने के लिए बढ़े तो NDA और भाजपा के सांसदों ने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा संविधान जिंदाबाद। हालांकि बीजेपी सांसदों ने वंदे मातरम नहीं कहने पर शेम शेम के नारे भी लगाए, लेकिन शफीकुर रहमान ने शपथ के बाद संविधान जिंदाबाद कहकर माइक छोड़ चले गए। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट।